देश भर में आज हिंदू परंपराओं के अनुसार बछबारस का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने घर में सुख शांति प्रगति के साथ ही अपने बच्चों की तरक्की के लिए गाय व उसके बछड़े की पूजा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज बछबारस के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता के दर्शन किए थे, इसीलिए आज ही के दिन को विशेष महत्व दिया गया है और गोमाता और उनके बछड़े में भगवान का स्वरूप देखा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सुबह से ही अजमेर के अलग अलग स्थानों पर गोमाता और उनके बच्चे की पूजा अर्चना कर सुहागिन महिलाएं कहानी सुनती है और विभिन्न व्यंजन गोमाता को खिलाती है। आज ही के दिन घर में अंकुरित चीजों की सब्जी बनाई जाती है और गाय व उसके बच्चे को भी इसी तरह का व्यंजन खिलाया जाता है और सुख शांति के साथ ही बच्चे की प्रगति की मनोकामना मानी जाती है। वहीं इस पूजा का महत्व बच्चे की अकाल मृत्यु ना हो इसे लेकर भी माना गया है। आज के दिन बछबारस की पूजा होती है। एक बच्चे की माएँ और सभी औरतें गाय की पूजा करती है और कोई भी खाना पकाते हैं, बरिया वरिया सब भिजो के रात को खाना पकाते हैं। सुबह तो ढक्कन नहीं लगाते किसी भी चीज़ के, ऐसे ही पकाना चाहिए। चक्कू से कोई भी चीज़ नहीं कट करते हैं, बिना चक्कू के हाथ से ही करना चाहिए। कटावा खाते भी नहीं है और कहानी भी सुनते हैं और गेहूं वेहूँ की रोटी नहीं खाते, मक्की बाजरे की खाते हैं और बरिए से खाते हैं और भैंस के दही की दही खाते हैं और भैंस के दूध से ही चाय पीते हैं। गौ माता की पूजा भी करते हैं, बछड़े की भी करते हैं, बछड़े को उड़ाते करते भी है, सब कुछ करते हैं। पूजा वैष्णव आज बछबारस है। बेटे की माँ बछबारस का व्रत करती है और इसमें मूंग मोठ की पूजा करते हैं और आज के दिन चक्कू का काटा हुआ नहीं खाते हैं और गेहूँ ये जो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो मक्की बाजरे की रोटी खाते हैं और भैंस के दूध की चाय पीते हैं। ये बेटे और गाय की पूजा करते हैं, बछड़े की पूजा करते हैं, मूंग मोठ से और दही से, मेहंदी मोली रोली गोली से कहानी सुनते हैं, इसके बाद पूजा होती है गाय की। गीता गहलोत आज भादवे की बछबारस को हम गाय की पूजा कहते हैं। बछड़े की गाय की पूजा, बछड़े की माँ की ही पूजा की जाती है आज। और आज के दिन जैसे मतलब गेहूँ की ऐसी रोटी नहीं खाते हैं, ये मक्की बाजरे की ही खाते हैं। चक्कू काम में नहीं लिया जाता है आज। आज हम लोग ऐसे ही खाना बनाकर ऐसे ही खाते हैं और गौ पूजन के बाद में कहानी कथा कहकर उसके बाद में ही हम काम करते हैं। जी संतोष कथा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB News सच्चाई की वापसी।